आप देख रहे हैं अंबाला के पास से, जी हाँ अंबाला के पास से एक सड़क हादसा हो जाता है। देख सकते हैं एम्बुलेंस की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है और जो चालक है उनसे जानने की कोशिश, क्या हुआ था, कैसे हुआ जी? क्या था जी, जहाँ पे दो पुलिस वाले खड़े थे, गाड़ी स्पीड से आ रही है और जो है ये बीच में खड़े होकर रुकवाने लगे, गाड़ी जैसे साइड हुई पीछे से ट्रक ने ठोक दिया। तो क्या नाका लगा हुआ था? कोई नाका नहीं है, आपके सामने है, आप फोटो वगैरह देख सकते हो, कोई नाका नहीं है, दूर तक पीछे 2 किलोमीटर तक कोई नाका नहीं है। गाड़ी पलटाव नहीं हुआ था, हमारी गाड़ी इन्होंने साइड करवाई है, जैसे ही गाड़ी साइड हुई पीछे से ट्रक वालों ने ठोक दिया। अच्छा जी, आपकी गाड़ी में ठोक दिया? हाँ जी, वो गाड़ी आपके सामने। कहाँ जा रहे थे आप? मैं जी दिल्ली से अमृतसर कोर्ट जा रहा हूँ। अच्छा जी, 3 जने थे हम, एक मेरा और दूसरा एडवोकेट ही था। तो नहीं आएगी सर, वैसे अंदरूनी चोटें हैं, एक बाइक के पीछे से छिला हुआ है, पीछे से गाड़ी टूटी। देख सकते हैं हालांकि जो गाड़ी है इन्होंने ब्रेक मारी और पीछे से जो ट्रक है वो लगा है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं पीछे से जो ट्रक है वो लगा है। टीम 112 मौके पर है, आप देख सकते हैं 112 की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तमाम तस्वीरें कर जो नेशनल हाईवे है उसकी दिखा रहा हूँ। कैसे हुआ भैया, क्या हुआ, क्या था ये बताओ पहले, इधर आके बताओ पहले क्या हुआ था। ये पे यहाँ पे गाड़ी मारुति रुकवा रहे थे, तो मारुति रुकवाने के बाद में जब मारुति बीच रोड पे ऐसा खड़े होकर मारुति रुकवा रही थी, मारुति तो रुक जाता है, वो छोटा गाड़ी है, लेकिन ये इतना बड़ा गाड़ी ये नहीं रुक पाया। कौन रुकवा रहा था गाड़ी, किधर चले गए? ये थी। अच्छा, ये गाड़ी रुकवा रहे थे, चेकिंग कर रहे थे? हाँ, ये हमें नहीं मालूम चेकिंग कर रहे थे क्या कर रहे थे, बहरहाल गाड़ी रुकवा रहे थे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हादसा हुआ है उसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बाद में जो था, एक सरदार जी है, एक युद्धविंदर है, SHO साहब वहाँ खड़े हैं, कोई नाका नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है। अभी चोटे हैं, आप इलाज करवा लीजिए, चोटे हैं, आप इलाज करवा लीजिए पहले, आप इलाज, गलती इनकी है, कोई वो नहीं है, पूरी स्पीड से गाड़ियां आ रही है, कोई गाड़ी इलाज करवाइए पहले। आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद हैं, जिस प्रकार से हादसा हुआ उसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, तमाम लोग यहां पर देख सकते हैं इकट्ठा हुए हैं। आपके सामने हुआ था सर? क्या क्या पता चला, क्या हुआ था? अभी आया सर हम तो, क्या पता चला आपको यहाँ पर? मैं तो सर पटियाला जा रहा था, मैं तो देख के रुक गया, अभी क्या हुआ है देख रहे हैं। अब देख सकते हैं गाड़ी का भी काफी नुकसान जरूर हुआ है और पुलिस की तमाम टीमें जो हैं 112 की टीमें और IO जो साथ में लगता थाना है उनके IO भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। अपील आप सभी से ही रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, काफी जो नुकसान हुआ है गाड़ी का वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। I-10 गाड़ी है और पीछे से कहीं ना कहीं जो ट्रक ने है वो हिट किया है। जी हाँ, ट्रक ने हिट जरूर किया, उसके बाद जो ट्रक है वो भी पलट जाता है, ट्रक भी पलट जाता है। फिलहाल जो जाम है वो काफी जो है वो जाम यहाँ पर लगा हुआ है। अपील सभी से इस वीडियो को शेयर जरूर करना, 112 की टीम है उनसे भी जानने की कोशिश जरूर करेंगे क्या कुछ उन्हें जानकारी प्राप्त हुई थी। हालांकि नेशनल हाईवे के बीचों बीच जो है अब ये ट्रक जो है पलट चुका है, जाम की काफी स्थिति जो है वो बनी हुई है। फिलहाल जो ट्रैफिक है वो सारा का सारा सर्विस लाइन पर कर दिया गया है। अपील सभी से, हालांकि आपको मैं बता दूं चोटें अंदरूनी चोटें आई हैं और ड्राइवर से भी जान लेते हैं, उन्हें तो कोई चोट नहीं हुई, हालांकि ट्रक का काफी नुकसान जरूर हुआ है। भैया कहीं चोट तो नहीं आई आपको? यहाँ लगी है, तो इलाज करवाने क्यों नहीं गए आप? नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो क्या गाड़ी का स्पीड ज्यादा था ट्रक का? गाड़ी का स्पीड ज्यादा नहीं था, ठोस रुक पाया गाड़ी, एक ही जगह रुक पाया गया था गाड़ी, तो एकदम ब्रेक नहीं लगता ट्रक का, इसलिए ट्रक का ब्रेक नहीं लगता है एकदम। तो पीछे गाड़ी में लग गया, पीछे उधर उस साइड में चल रहा था मेरा गाड़ी, तो उस साइड में बचाते बचाते फिर इधर आके गिरा। अच्छा, दूसरी साइड में लग गया? हाँ, गिरने के बाद में लग गया। तो गाड़ी आगे, गाड़ी एकदम रुक गई थी, आगे चल रही थी, गाड़ी रुकवा के खड़ा कर दिया था। अच्छा जी, गाड़ी रुकवा दिया, गाड़ी आगे रुका हुआ है? नहीं दिखा, लेकिन अब इतने में क्या होता है, एकदम कंट्रोल नहीं होता, नहीं होता है एकदम। देख सकते हैं गाड़ी हालांकि बीच में रुकी हुई थी, इनका यही कहना है गाड़ी एकदम कंट्रोल नहीं होती। जी हाँ, गाड़ी एकदम कंट्रोल नहीं होती। टीम 112 के जो यहाँ पर पहुंची हुई है उनसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी सर? सर जी, हमारे पास डायल 112 में फोन आया था, 8:25 पर आया, 8:30 पर हम यहाँ तुरंत पहुँच गए। तो क्या पता चला था? यहाँ पता चला भाई एक्सीडेंट हो रहा, तो चोट तो नहीं, चोट किसी का, कोई इंजरी वो चोट नहीं है किसी के पास, गाड़ी का नुकसान हुआ? हाँ, गाड़ी का नुकसान है जी, ट्रक का भी है, गाड़ी का, दोनों का नुकसान है। एम्बुलेंस को भी बुला लिया? एम्बुलेंस को बुला लिया जी।
तो फिलहाल आप इलाज के लिए भेजा? हाँ, इलाज के लिए अपना शाहबाद हॉस्पिटल में भेज दिया जी। कौन सा थाना लगता है सर? ये थाना ये कृष्णा के ये अपना चौकी लगती है, उड्डा चौकी। अब देख सकते हैं और हाईवे से भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ हुआ, क्या पता लगा सर? सर ओवर स्पीड का नाका लगाया हुआ था ताकि गाड़ियां स्पीड में ना चलें, लोग सेफ चलें, अपने घर सेफ जाएं। बकायदा कोन लगाए हुए, आपने भी देखा होगा कि प्लास्टिक के कोन ट्रक के नीचे भी आ रहे हैं। वो भी गाड़ी जो ये दिल्ली नंबर गाड़ी है ये ओवर स्पीड में आई, इसकी स्पीड 114 के लगभग थी, इसकी स्पीड रिकॉर्ड है। हाँ जी हाँ जी, 114 की इसकी स्पीड है। तो इसको मुलाजमों ने प्रॉपर इशारा करके साइड में लगवा लिया। तो अभी इनसे बात इस कर दे कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो इतने में ये पीछे से एक ट्रक आया तो इसने सीधी उसमें ठोक दी, जबकि गाड़ी बैरिकेटिंग के बीच में थी और ट्रक जो है उसको राइट साइड में लेके निकलना था, वो राइट साइड में लिया नहीं, या वो बेजान हो गया या उसको नींद का क्या लगा तो उसने गाड़ी की टक्कर मारी। बचाव है, मामूली चोटें आई हैं, एम्बुलेंस बुला के सर उनको हॉस्पिटल भेज दिया है, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। गलती किसकी दिखाई दी सर आपको? सर ट्रक को ब्रेक लेने चेंज, आगे स्पीड का नाका लगा हुआ है, पीछे कोण लगे हैं, हर पब्लिक राइट साइड से, सभी गाड़ियाँ राइट साइड से निकल रही हैं, और ये गाड़ी तो साइड में लग के कोणों के बीच में खड़ी थी ताकि स्पीड में थी, इसको साइड में कराया गया, लगवाया गया, तो ट्रक ने बैरिकेटिंग कोण तोड़ के इसके बीच में हिट किया। देख सकते हैं हाईवे पुलिस से रामकरण जी हैं, स्पीड का नाका लगा हुआ था, हालांकि ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हुई है ये स्पीड ओवर स्पीड थी, इसे साइड पर रोका गया था, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, पर पीछे से जो ट्रक आपको मैं दिखाता हूँ ओवर स्पीड ट्रक भी कहीं ना कहीं जो उसका कंट्रोल नहीं हुआ, उसके बाद जो है ट्रक पीछे भिड़ जाता है। जी हाँ, ट्रक इस गाड़ी के पीछे भिड़ जाता है। अपील आप सभी से रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हालांकि ट्रक कंट्रोल नहीं हुआ तो गाड़ी के अंदर जो है ये ट्रक जो है वो पीछे घुस जाता है। हालांकि ओवर स्पीड का जो नाका है वो लगा हुआ था। अम्बाला के पास से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें।